टोन जो है आप वायलिन सेट कर सकते हैं। और इसके बाद लता जी का एक अलाप आता है जो बिल्कुल म्यूजिक की ही तरह है। दोस्तों आज की जो आपकी रिक्वेस्ट है वो एक सदाबहार गीत की है जिसके बोल हैं एक प्यार का नगमा है, जिसको लता जी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ गाया है और इस गीत का सेकंड अंतरा मुकेश जी ने भी गाया है। तो चलिए इस प्यारे से गाने को सीख लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप नोटेशन के साथ। नमस्कार, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं सीखो सरल। तो इस गीत को हम सीखने जा रहे हैं मिडिल ऑक्टिव के सी शार्प से। अगर आप हारमोनियम पर इस गीत को सीख रहे हैं तो ये आपकी पहली काली है, यानी कि इसको आप सा मान सकते हैं, ठीक। और इसका जो कॉर्ड है वो है सी शार्प मेजर, सी शार्प एफ जी शार्प सी शार्प मेजर, ठीक है, सा गा पा। इस गीत के शुरू होने से पहले एक म्यूजिक भी है, पहले उसको सीख लेते हैं, ठीक है। जो म्यूजिक है वो स्टार्ट होता है यहां से जी शार्प, तो पहले मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं उसके बाद आपको बताता हूं। तो ये जो म्यूजिक है इसकी अगर आप टोन चेंज करना चाहते हैं तो वायलिन इसमें रख सकते हैं, ठीक है, टोन जो है आप वायलिन सेट कर सकते हैं। तो चलिए इस म्यूजिक को सीख लेते हैं। ये म्यूजिक दो लाइनों में है, तो पहली लाइन में क्या है जी शार्प लोअर ऑक्टिव और सीधा फिर आ जाएंगे मिडिल ऑक्टिव के एफ पर, ठीक है। फिर से देखिए जी शार्प एफ, इसके बाद फिर से जी शार्प एफ और इसके बाद फिर से जी शार्प, मगर इस बार एफ शार्प, फिर डी शार्प, फिर सी, फिर से देखिए ठीक है। तो ये है वो लाइन, पहली लाइन। और इसके बाद अब इसके बाद जो दूसरी लाइन है वो सेम टू सेम यही है, बस एक थोड़ा सा अंतर है, लास्ट में एक नोट आपको एक्स्ट्रा लगा देना है, ठीक है। पहले तो आपको सेम टू सेम ऐसे ही प्ले करना है, यहां तक सेम ऐसे ही, और जैसे ही यहां पर आएंगे इसके बाद एक नोट कौन सा लगाना है सी शार्प, ये एक्स्ट्रा कर देना है बस, ठीक है, इसको एक्स्ट्रा लगा देना है सी शार्प, बस ये सी शार्प हमने एक्स्ट्रा लगा दिया बस, और कुछ नहीं करना, ठीक। अब चलिए गाने की तरफ। गाने की पहली लाइन है एक प्यार का नगमा है, ठीक है, जो हमारी शुरू होगी सी शार्प से। स्लो देखिए, एक के लिए सी शार्प डी शार्प, प्यार के लिए एफ और का के लिए एफ शार्प और नगमा के लिए जी शार्प एफ शार्प एफ शार्प एफ और है के लिए एफ, ठीक है। सिंगल फिंगर से देखिए, ठीक, कॉर्ड लगाना आपको पता ही है सी शार्प मेजर, ठीक, सी शार्प एफ और जी शार्प सा गा पा। अब इसके बाद दूसरी लाइन है मोजो की रवानी है, तो ये लाइन बिल्कुल सेम टू सेम वही लाइन है जो हमने शुरू में सीखी एक प्यार का नगमा है। अब इसके बाद जिंदगी और कुछ भी नहीं, स्लो देखिए, जिंदगी और कहां पहुंच गए हम सी हायर ऑक्टेव, जिंदगी और कुछ भी नहीं, नहीं के लिए तीन नोट एफ शार्प जी शार्प ए शार्प, ठीक, नहीं। इसके बाद सिंगल फिंगर से देखिए, इस लाइन को आप ऐसे भी बजा सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी इस लाइन को बजा सकते हैं। इसके बाद लाइन है तेरी मेरी कहानी है, स्लो देखिए,
ते री मे री। इसके बाद कहानी का हा आ नी है। कहानी के लिए चार नोट है, फिर है, ठीक सिंगल फिंगर से। ठीक, और इसके बाद फिर एक म्यूजिक की लाइन आती है। म्यूजिक की लाइन देखिए, और इसके बाद, और इसके बाद, और लास्ट में। और इसके बाद लता जी का एक अलाप आता है जो बिल्कुल म्यूजिक की ही तरह है, ठीक है। तो म्यूजिक की तरह ही अलाप भी लेना है। तो चलिए फटाफट अंतरे की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से अंतरा भी सीख लेते हैं। पियानो बहुत परेशान कर रहा है आपको, बहुत खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, मैं भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, सुकून के साथ आप लोगों को समझा नहीं पा रहा हूँ, बहुत परेशान कर रही है पियानो की आवाज़। नेक्स्ट टाइम मैं दूसरे पियानो और हारमोनियम पर ही सिखाऊंगा आपको, इस पियानो पर नहीं सिखाऊंगा, बहुत परेशान करता है ये। जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं इसको रिपेयर भी नहीं करा सकता। तो चलिए फटाफट अंतरा भी सीख लेते हैं। अंतरे की जो पहली लाइन है, कुछ पाकर खोना है कुछ खोकर पाना है। पहले मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। चलिए स्लो देखते हैं, स्लो देखेंगे। कु छ, इसके बाद पाकर, पाकर के लिए तीन सी शार्प। इसके बाद खोना, सी शार्प, डी शार्प, सी शार्प और सी, ठीक है। इसके बाद है, सिंगल फिंगर से। ठीक, इसके बाद कुछ खोकर पाना है, ये भी सेम ऐसे ही है, ठीक, कुछ अंतर नहीं है। पहले आप सीख लीजिए कुछ पाकर खोना है, और उसके बाद उसको रिपीट कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपकी प्ले हो जाएगी, कुछ खोकर पाना है, ठीक है। अब अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। स्लो देखिए, पहले जीवन का मतलब तो, जी वन का मतलब, मतलब के लिए बी सी शार्प, बी जी शार्प, ठीक। इसके बाद तो, ए शार्प। इसके बाद आना और जाना है, आना, आना के लिए दो बार ए शार्प और सी शार्प, ठीक। इसके बाद और, ओ र। इसके बाद है जाना, जी शार्प, ए शार्प, जी शार्प, जाना। इसके बाद है के लिए दो नोट, जी शार्प और एफ, ठीक। सिंगल फिंगर से देखिए, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, अब आना और जाना है, ठीक। अब इसके बाद लाइन है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। तो इस लाइन के लिए आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, ये वही लाइन है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ठीक है, वही आपको रिपीट कर देनी है, तो ये लाइन आपकी ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगी, इसमें और आपको कुछ भी नहीं करना है। और अब इसके बाद मुकेश जी की लाइन आती है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। तो ये लाइन आप पहले सीख ही चुके हैं, मुकेश जी ने इस लाइन को गाया है, ठीक है, तो आपको प्ले करने में कुछ मुश्किल नहीं होगी क्योंकि आप पहले ही सीख चुके हैं। और इसके बाद जो सेकंड अंतर आएगा, तू धार है नदिया की मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है मैं तेरा सहारा हूँ। तो ये अंतरा जो है आपको बिल्कुल सेम वैसे ही बजाना है जैसे अभी आपने सीखा है, पहला अंतरा जैसे सीखा है वैसे ही आपको इस अंतरे को प्ले करना है, ठीक है। तो कुछ भी अलग नहीं है, तो आप सोचो कि सेकंड अंतरा क्यों नहीं बताया। सेकंड अंतरा इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो सेम टू सेम वही है जो हमने पहला अंतरा सीखा है, ठीक।
दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है, जो घंटी वाला निशान होता है, उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर सीखो सरल पर आप और भी सुपरहिट सॉन्ग पियानो और हारमोनियम पर प्ले करना सीखना चाहते हैं तो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपकी अगली फरमाइश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।